का हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों अभी का सीन ये है कि अभी हम जाने वाले हैं दरबार खास रेस्टोरेंट, जो कि बरेली का बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है दोस्तों। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं। और दोस्तों आज मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जाने वाले हैं, और जो हम्माद जो कि आपने देखा होगा मिनी व्लॉग में, मेरे काफ़ी मिनी व्लॉग में आ चुका है वो दोस्तों। और अभी मैं उसके साथ ही जाऊँगा, और भी दोस्त जाने वाले हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि दरबार खास रेस्टोरेंट यहाँ पर कैसा है। और अभी 8:45 हो गए हैं दोस्तों, अभी मेरे दोस्त आ रहे होंगे। दोस्तों अब हम निकल गए हैं अपने घर से, और अभी मेरे दोस्त आगे मिलेंगे मुझे। देख सकते हैं मेरा दोस्त है हम्माद, जो कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। आज हम सब लोग जाने वाले हैं, अभी और भी लोग आ रहे हैं। और अभी आ गया हमारा दोस्त मुस्तफ़ा। ये मुस्तफ़ा मेरा दोस्त, और अभी हम जाएंगे। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त को पिक करने, माहिद को, जो कि हमारे घर से थोड़ा ही दूर रहता है। और अभी हम उसको लेने जा रहे हैं, और उसकी बाइक से जाएंगे हम लोग। अभी हम तीन लोग बैठे हैं एक बाइक पर, और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो उसको पिक करेंगे और फिर जाएंगे। और अभी हम माहिद को लेने जा रहे हैं, और उसका घर थोड़ा अंदर की साइड पड़ता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं माहिद भाई के घर पर, और अभी वो आते होंगे, अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली आ चुके हैं माहिद भाई। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, मैं ठीक, आप बताओ? बढ़िया बस। तो अभी चलते हैं, ठीक है दोस्तों? हम लोग चल दिए हैं दरबार खास रेस्टोरेंट की तरफ। अब हमें माहिद भी मिल चुका है हमारा दोस्त, जो कि हमारे घर से आगे ही थोड़ा रहता है। तो अभी हम चल दिए हैं एक बाइक पर, हम दो लोग हो गए हैं अब, और अभी हम जल्दी पहुँचेंगे। तो वो लोग आगे निकल गए हैं हमसे, और मुस्तफ़ा माहिद की बाइक पर बैठ गया है। अब हम लोग एक बाइक पर दो लोग हैं सिर्फ, पहले हम लोग तीन थे पर अब दो हैं। तो आगे ट्रैफिक जैम हो गया है, और बस आ गई है एक, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, रास्ता छोटा है इसलिए। और देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी अभी रात का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं लगभग। ये दरगाह है दोस्तों, बहुत ही मशहूर दरगाह है ये। और फाइनली दोस्तों हम पीलीभीत बाईपास में पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है इस तरफ। तो दोस्तों अभी हूँ मैं पीलीभीत बाईपास पर, और अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं यहाँ से, और दरबार खास रेस्टोरेंट पीलीभीत बाईपास पे पड़ता है दोस्तों, और उसी मेन रोड पर ही रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत फेमस है बरेली में। तो आप देख सकते हैं दरबार खास रेस्टोरेंट यहाँ से नजर आ गया है मुझे, और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, यह है दरबार खास रेस्टोरेंट। और अभी हम बाइक पार्क कर रहे हैं अपनी। और भी हमें फ्रेंड्स आ गए हैं हमारे, और अभी हम अंदर जाएंगे। तो फाइनल दोस्तों हम दरबार खास पर पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे, बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये। और अभी हम अंदर जाएंगे दोस्तों, तो आइए चलते हैं अंदर। दरबार खास रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, अभी हम अंदर जाएंगे सीटिंग एरिया जहां पर है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं सब लोग। तो अभी हम बैठ गए हैं अपनी जगह पर, और हमें सीट मिली है,
और अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर। आइए मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है दोस्तों, और अभी एसी भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आइए मेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं ये मेन्यू का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेन्यू है यहाँ का, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं मेन्यू। ये लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर, बिस्लरी भी रख दी है लाके। चिकन फाइनली दोस्तों हमने ऑर्डर कर दिया है चिकन बर्रा, और अभी ऑर्डर हमारा आता ही होगा। और देख सकते हैं सर्विस बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सर्विस है। और ये लोग बैठ के अभी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक। ये लोग हमाद भाई हमारे, इनका प्रिंट होके आया बिस्लरी की तरफ से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पर। गाइस ये माहिद भाई का फ़ोन, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग iOS 17 का अपडेट ना करें। और अपडेट करने के बाद ये लाइन आ गई है इनके फ़ोन में, देख सकते हैं आप लोग। और अभी कोई डैमेज कुछ भी नहीं है फ़ोन इनका, फिर भी ये लाइन आ रही है। iPhone X ऐसा ही देख लो गाइस, प्लेटें आ गई हैं ये देख सकते हैं, और इस पर हमारे खास का लोगो भी है। और ये लोग स्नैप ले रहे हैं गाइस। अभी हमारी प्लेट आ चुकी है, और अभी ऑर्डर आना शुरू हुआ है, और अभी सलाद वगैरह आई है, और अभी चटनी भी आई है ग्रीन वाली, और अभी ऑर्डर भी आएगा हमारा। और देख सकते हैं अभी आ चुकी है हमारे सलाद वगैरह, और चटनी आ गई है। फाइनली ऑर्डर आ गया हमारा। देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हमारा ऑर्डर आ गया है, यह चिकन बर्रा, पर हमने यही ऑर्डर किया है। और अभी हम रेडी हैं, ऑर्डर आ चुका है, और अभी स्टार्टिंग करती है सर्व करने की। और अभी सर्व होगा, फिर उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। और ये मेरी फेवरेट चीज देख सकते हैं, ये मेरा फेवरेट है, ये वाली प्याज तो बताओ। और अब हम टेस्ट करेंगे दोस्तों, और बताएंगे आपको टेस्ट कैसा है यहाँ का। काफी अच्छा टेस्ट है यहाँ का, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और अभी हम फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको दोस्तों। कैसा है यहाँ का खाना, प्याज का मजा कैसा है, टेस्ट बता सकते हैं? एक नंबर अच्छा है, कैसा है? एक नंबर हमद भाई अच्छा, अभी तो खाया भी नहीं। तो अभी रोटी कम पड़ गई गाइस, तो अभी रोटी मंगा रहे हैं हम लोग भाई, फिनिश करने के बाद मिलेंगे। दोस्तों ऑर्डर फिनिश कर दिया हमने अपना, आप देख सकते हैं टेबल का हाल, और बहुत अच्छा टेस्ट लगा यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हमने फिनिश कर दिया ऑर्डर, और बहुत अच्छा टेस्ट था, और मज़ा आया खाना खाने के बाद यहाँ पर। और अभी हम बाहर की तरफ जाएंगे दोस्तों, अभी बिल का इंतजार कर रहे हैं, अभी बिलिंग होगी, उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे।
और अभी बिलिंग हो रही है और ये देख सकते हैं आप लोग, ये लाकर दिया है अभी बिल के साथ रेस्टोरेंट की तरफ से, हमें ये मिला है। अभी हम ये ट्राई करेंगे, ये जो भी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मिश्री और सौंफ है ये, जो कि खाने के बाद दिया जाता है। और अभी बिलिंग हो रही है यहाँ पर और देख सकते हैं आप लोग, मुझे अभी चेंज मिला है हमें। अब हम दोस्त अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। टेबल का हाल देख सकते हैं। चलो दोस्तों वापस आना, ये देख सकते हैं सीटिंग एरिया ये है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिरर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह सब कुछ कर रखी है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मिरर लगा रखे हैं काफ़ी सारे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह कर रखी है। और हमारे दोस्त लोग जो है अभी फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर आपस में। ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर आने के बाद, बढ़िया लग रहा है दरबार खास, आप लोग आए भी और एंजॉय करें आप लोग जैसे। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लेस है ये और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितने सारे मिरर लगे हुए हैं, हमने फोटो भी लिए हैं काफी सारे और आपको मैं दिखाऊंगा ये वीडियो में, तो काफी अच्छे फोटो भी आए हम लोगों के। और अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ दोस्तों। और ये देख सकते हैं वहाँ पे सीटिंग एरिया है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ भी केक वगैरह अवेलेबल है। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और अभी काफी भीड़ आ रही है। और देख सकते हैं ये फैन है जो कि बहुत अच्छी हवा दे रहा है, और बहुत ज्यादा अच्छी हवा दे रहा है ये फैन। और ये दरबारे खास का माहौल है अभी का, और अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं अंदर जो कि काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और ये सब फोटो ले रहे हैं लोग यहाँ पर। चलो यार ज़्यादा लेट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे एक वाटर का फाउंटेन है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। कभी काफ़ी लोग सेल्फी और काफ़ी लोग फोटोज़ ले रहे हैं उसके पास दोस्तों, और हमने भी काफ़ी सारी सेल्फी ली हैं अभी यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी अभी फ़ोटो खिंचवा रहा है हमाद। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ये लाइट लगा रखी है दोस्तों। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर, और बहुत अच्छा टेस्ट था दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम अंदर से आ गए हैं, अब हम बाहर की तरफ आए हैं और हमें काफ़ी अच्छा टेस्ट भी लगा। और लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन कुछ ज़्यादा अच्छी थी दोस्तों, तो अभी मैं रिव्यू की बात करता हूँ। रिव्यू जो है माहित भाई देंगे हमें, तो माहित भाई कैसा रिव्यू अंदर का आप देंगे? टेस्ट ठीक था, लेकिन मुझे टेस्ट से ज़्यादा अच्छा यहाँ की लोकेशन लगी, जो एक नंबर है। मतलब मेरे हिसाब से पूरी बरेली में ऐसी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो अगर लोकेशन के हिसाब से आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर। तो मैंने आपको रिव्यू दिया, माहित भाई ने रिव्यू दिया, क्योंकि मेरे साथ आए थे दोस्तों। और अभी देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी बाहर आया हूँ, अब हम जाएंगे
नेक्स्ट प्लेस पर अपने। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्लेस पर जा रहे हैं अपने, और अभी देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं लेकर। और सारा माइंड जो है माहित भाई का चल रहा है यहाँ पर, और वही हमें लाए हैं सब जगह। तो अभी हम जा रहे हैं, तो कहाँ जाने वाले हैं माहित भाई? गूंज बता रहा है। गूंज ये कहाँ पर है? ये अयुबखा चौराहे पर है गूंज। गूंज तो अभी गूंज बताया है, कुछ गूंज करके प्लेस है कोई बहुत अच्छा। अभी हम दरबार खास से जा रहे हैं दोस्तों। तो हम निकल गए हैं यहाँ से दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं गूंज, और जो कि बहुत फेमस है, वो भी प्लेस काफ़ी फेमस है दोस्तों। अभी शादियों का सीज़न भी आ गया है दोस्तों, अभी काफ़ी सारी शादियाँ हो रही हैं, और ये रोड जो है काफ़ी लॉन और काफ़ी होटल्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होटल्स और शादियों के लिए लॉन वगैरह अवेलेबल हैं इस रोड पर। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट में।